आज हम नए अंडे का हलवा, जो कि ठंड के मौसम में खाना काफ़ी फायदेमंद होता है और हर किसी को खाना भी पसंद आता है। इसका टेस्ट काफ़ी बेहतरीन होता है और बहुत ही कम मिनट्स में बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही आसानी तरीके से बन भी जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 6 अंडे, जो कि यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर देंगे। आप चाहे तो एक पतीले में भी ऐड कर सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर हम अंडे पूरे 6 लिए हुए हैं और इसे के बाद यहाँ पर ऐड करेंगे 1 कप चीनी। आप चाहे तो कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आधा कप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे 2 कप दूध और इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 कप रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मलाई। आप चाहे तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं, या फिर मलाई की जगह आप मिल्क पाउडर या फिर कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 पिंच फूड कलर। आप चाहे तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। अब यह काफ़ी अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर कढ़ाई में सारे को ऐड कर देंगे और दूसरे हाथ से चलाते रहेंगे ताकि चिपके नहीं, और फ्लेम लो रखना है और लो फ्लेम में ही तैयार करेंगे अंडे का हलवा। इसे चलाते रहना है वरना चिपक जाएगा। तकरीबन 4 मिनट में गाढ़ा सा घोल तैयार हो चुका है। अंडे का हलवा तुरंत ही बनकर तैयार हो जाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून बादाम, जो कि बारीक कटा हुआ है। इसके बाद ऐड करेंगे 2 खजूर। आप अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। फ्लेम में तब तक रखेंगे जब तक ब्राउन कलर हो जाए। तकरीबन 10 मिनट के बाद यहाँ पर देखते हैं काफ़ी गाढ़ा सा हो गया है। इसमें अभी पानी है जो कि अच्छे तरीके से सूख जाना चाहिए। अगर अभी फ्लेम ऑफ कर देंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, पूरे कच्चे अंडे की तरह टेस्ट आएगा। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और भुनेंगे। जब पानी छोड़ दे तब बीच बीच में चलाते रहना है। जब भुनेंगे तो देखेंगे ऑयल छोड़ रहा है और गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तकरीबन आधे घंटे में अंडे का हलवा तैयार हो जाता है। यहाँ पर हमने फूड कलर का इस्तेमाल किया इसलिए कलर ऐसा आ रहा है। अगर आप नहीं इस्तेमाल करते तो भी यहाँ पर गोल्डन ब्राउन रहना चाहिए। अब यहाँ पर अंडे का हलवा तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। फ्लेम को ऑफ करने के बाद थोड़ी देर तक चलाते रहना है क्योंकि कढ़ाई बिल्कुल अभी गर्म है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सर्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अंडे का हलवा दानेदार तैयार हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे बादाम, जो कि बारीक कटा हुआ है। आप चाहे तो नहीं भी ऐड कर सकते। अंडे का हलवा ठंड के मौसम में काफ़ी फायदेमंद होता है, तो इस तरीके से अंडे का हलवा आप ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलें।